अपने दोनों तरफ कांटों से भरा ये गुद्देदार पत्तों के लाभकारी गुणों के बारे में हमारे पूर्वज लाखों बरसों से जानते हैं। आज की साइंस भी इस बात को मानती है और यही वजह है कि आपको हर घर के बगीचों में, बालकोनियों में ये पौधे दिख जाएंगे। एलोवेरा की कई प्रजातियां होती हैं, मगर हर प्रजाति में वो औषधि गुण नहीं होते। शहर के पोल्यूशन के बीच हमारे घरों के गमलों में उगे एलोवेरा में तो कतई नहीं। कौन सा एलोवेरा हमारे लिए सही है और इससे रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातों पे चर्चा के लिए आज हमारे बीच में फिर से हैं मिस्टर लेंका। सर, हमें ये बताइए कि एक एलोवेरा पत्ते में क्या होता है और उसके क्या क्या तत्व हैं और हमारे शरीर में वो तत्व का क्या फ़ायदा है, जरा हमें विस्तार से इसके बारे में बताइए। सर, पहला वीडियो में मैं बताया था आपको एलोवेरा का जो गुण है वो एक्चुअली ये तो आपका टॉक्सिक एलिमेंट को साफ करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, इसके चलते जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, अमीनो एसिड है। सबसे बड़ा चीज़ इसके अंदर में जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारा बॉडी बना नहीं पाता, बाहर से लेता है, ये सारे है। तो इसके चलते बॉडी का जो डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होता है, इसके चलते मिनरल डेफिशिएंसी होता है, हमारा खाना पीना में ठीक ढंग से मिनरल्स आ नहीं पाता है, विटामिन आ नहीं पाता, इसको भरपूर करता है। इसके साथ क्लिनजिंग करता है, रिपेयरिंग करता है, ओके, ये चीज़ होता है इसमें। और पत्ता का अंदर में जो जैसे बताया आपने, तो पत्ता का एक्चुअली डिफरेंट लेयर्स होता है पत्ता में, ठीक है। इसमें तीन लेयर मेजर हमें तीन लेयर कह सकते हैं कि एक्सटेरियर पार्ट है जो बाहर का है, जो हमें सामने में नज़र आता है, उस लेयर को ही काम करें, जस्ट एक पत्ता है, ठीक है। इसको जब हम काट देंगे, इसका एक अंदरूनी एक लेयर निकलेगा जो थोड़ा पतला सा मतलब लाल जैसे है, तो वो गोदा बन जाता है ऐसे, उस लेयर को हमें कंज्यूम नॉर्मली करते हैं। लेकिन इस दोनों का बीच में एक ठीक पतला सा लेयर है जो ऑयली जैसे है, उसमें आपका जो टेस्ट इसका कड़वा लगता है और इसमें लिटिल बिट पॉइजन जैसे, वो प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए रखा गया, बफर वाला इसको जुड़ा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो साइंटिफिकली हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसको अच्छा करके निकाल दिया जाता है, लेकिन मैनुअली प्रिपरेशन में इतना अच्छा सा क्लिंजिंग नहीं हो पाता, एक्यूरेटली साफ नहीं होता। ये भी पॉइजन में बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं करता, स्टील वो आपका शरीर के लिए इतना फायदेमंद नहीं है जितना फायदा देना चाहिए, वो नहीं दे पाता, ये मेजर है। हमारे घर के आसपास हमारे छत में लोग शौकिया तौर पे बहुत सारे एलोवेरा पौधे लगाते हैं, गमलों में, कभी कई बार बगान में। तो ये जो हमारे लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है अगर हम इसे डेली सेवन करें, थोड़ा इसमें थोड़ा रोशनी डालें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर, मैं पिछला वीडियो में भी बताया था एलोवेरा का सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी है वो जहाँ पर आपने प्लांटिंग करेंगे उसमें 6 मीटर लगभग 20 फीट रेडियस में, तो जितना पॉल्यूशन है इसको ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि एलोवेरा पूरा ड्राई लैंड में होता है, शुष्क वातावरण के अंदर में होना होता है और बारिश नहीं होना चाहिए, एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये दो चीज़ मेजर देखना। और अगर मॉइस्चर है तो एयर पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा, और ड्राइड है तो पेनेट्रेशन थोड़ा सा कम होगा, शुष्क वातावरण होगा तो, और पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा वो, तो मॉइस्चर एयर से लेगा तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन भी ऑब्जर्व कर लेगा, तो जो फायदा उसको नेचुरल फॉर्म में मिलना चाहिए था वो फायदा आपको मिलेगा नहीं। और दूसरा चीज़, एलोवेरा का जो प्लांट है ऐसे नहीं है, हमें अक्सर क्या करते हैं जो नया पत्ता होता है इसको कंज्यूम करते हैं, ऐसे नहीं है, इसका मैच्योर्ड लीफ खाना चाहिए। मैच्योर्ड लीफ मतलब जो 3 से 4 साल तक पुराना है। तो इंडिया जैसे हमारा देश के अंदर में जैसे यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, अगर हमें एलो प्लांट्स लगाते तो वो क्विकली ग्रोनअप हो जाता है, 1 साल के अंदर में इसका पत्ता खराब हो जाता है। तो जो पत्ता को आपने कंज्यूम करते हो उसके अंदर में 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होता। फिर रहा वेराइटीज़ का बात है, आप कौन सा वेराइटीज़ लगाए हो, देर आर 300 वेराइटीज़ है, उसके अंदर में बेस्ट जो है 5 वेराइटीज़ है, उससे सबसे बढ़िया है उसके अंदर में जो एलो बारबाडेंसिस मिला, तो वो प्लांट उसके अंदर में 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। अदरवाइज जो इंडियन वेराइटीज़ है, एक तो वेराइटीज़ हमें अगर बारबाडेंसिस भी लगाते स्टिल 1 साल के अंदर में 100% आपको न्यूट्रिशंस दे नहीं सकता। जो आपने गमला में लगाए हो पहला तो देखना है वो पॉल्यूशन फ्री में है क्या, अगर पॉल्यूटेंट्स पास में है आपने तो इसे कह नहीं सकते यहाँ पर कहीं पर पॉल्यूशन फ्री नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, बाइक जा रहा है तो ऐसे तो लोकल पॉल्यूशन है, डस्ट डार्ट्स तो है, ये पॉल्यूशन फ्री डिवीजन में होना चाहिए।
और दूसरा उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, धीरे स्लोली हो रहा है, ये चीज़ को देखना है। और फिर भी मैंने जैसे बताया जो आपने निकाल रहे हो तो उसको आपने प्रोसेसिंग से खाने से पहले कैसे तक इसको लेते हो, ठीक है ना, इसको सफाई ठीक से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आलो पत्ता अक्सर क्या होता है, इंडिया में लोग क्या करते हैं पत्ता काट के 2-3 दिन तक इसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 3 घंटा का अंदर में, 2-3 घंटा के अंदर में अगर आपने कंज्यूशन नहीं करते हो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज मतलब आपका मेडिसिनल प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर को आपको कंसिडर करना है। अगर इसको कंसिडर करके आपको लगता है ये सुइटेबल है, यू कैन टेक। लेकिन बात यहाँ पर मेरा होता है जब आपको एक रेडीमेड चीज़ मिलता है, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड मिलता है और अच्छा क्वालिटी का मिलता है, इतना ट्रेस क्यों लगाएंगे आपने इसको उगाओ। हाँ, आपने ये कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल क्लींजर है, एयर पोल्यूशन को क्लींस करता है, तो आपका बागान में लगा सकते हो, बाग में लगा सकते हैं, आपका विदिन द मतलब बेडरूम लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा प्यूरिफिकेशन करेगा। और एक्सटर्नल पार्ट जहाँ तक स्किन का बात है यू कैन ऐड, ठीक है, लेकिन कंजप्शन के लिए मैं उचित नहीं मानता इसको। तो इसका सारांश यही है कि हमारे जो गमले में जो पौधे हैं वो उतना हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, बेटर होगा हमें एक साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड एलोवेरा लेना चाहिए। इसके अगले कड़ी में हम और भी अच्छे अच्छे एलोवेरा के विषय में हम डिस्कस करेंगे। येगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, बंद कर दीजिए।